सब्सक्राइब कीजिए परमार होममेड चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं भटूरे, तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ पर हमने एक कप मैदा लिया है और दो चम्मच यहाँ पर हमने देसी घी लिया है और एक चम्मच हमने सॉल्ट यानी कि नमक लिया है और एक चम्मच यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर भी लिया है और एक कप यहाँ पर हमने योगर्ट यानी कि दही लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं भटूरे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं भटूरे, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि हमारे वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। और भटूरे बनाने के लिए हम सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने एक कप मैदा लिया है और हमने यहाँ पर एक कप मैदा लिया है और इसमें हम करीब एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और एक चम्मच सॉल्ट यानी कि नमक डालेंगे। बेकिंग पाउडर और सॉल्ट डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और आप देख सकते हैं हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। और इसे अच्छे से मिलाने से जो है बेकिंग पाउडर जो और सॉल्ट है वो अच्छे से इक्वली यहाँ पर दोनों सी चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं। और अब हम इसमें करीब दो चम्मच घी डालेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल भी डाल सकते हैं और घी डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें करीब एक कप दही डालेंगे, योगर्ट डालेंगे और यहाँ पर हमने जो योगर्ट दही लिया है वो खट्टा नहीं है और सभी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिला लेंगे और इसे हम मिनिमम 10 मिनट तक अच्छे से मसलते हुए अच्छे से लचीला डो तैयार कर लेंगे। इसे मिनिमम 10 मिनट तक मसलना जरूरी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अच्छे से मसलते हुए डो तैयार कर लिया है और इसे हम करीब 2 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसके ऊपर हमने जो एक गीला कपड़ा कर दिया है वो गीला कपड़ा इस पर रख लेंगे और इसे हम करीब 2 घंटे तक ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। और ये फ्रेंड्स से करीब 2 घंटे हो चुके हैं और इसे अब हम खोल लेंगे और आप देख सकते हैं जो हमने डो तैयार किया था वो थोड़ा सा फूल गया है और इसे भी हम अच्छे से 5 मिनट तक अच्छे से नीड कर लेंगे। अगर नीड करते समय आपको जो ये डो है थोड़ा सा चिपचिपा लगे तो ऊपर से थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं जिससे ये चिपचिपा नहीं लगेगा और इसे अच्छे से मसलते हुए अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमने अच्छे से नीड कर लिया है और ये डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से छोटी छोटी लुइयां तैयार कर लेंगे जो हम भटूरे बेलने वाले हैं, इसके लिए हम छोटी छोटी लुइयां तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लुइयां तैयार कर ली हैं और इसे अब हम अच्छे से बेल लेंगे। आप कोई भी शेप की बेल सकते हैं जो भटूरे बेलना चाहते हैं, लंबा बेलना चाहे तो लंबा भी बेल सकते हैं, कोई भी शेप में आप इसे बेल सकते हैं। ध्यान ये रखना है हमें कि इसे बहुत ही पतला नहीं बेलना है और बहुत थिक भी नहीं करना है, इसे परफेक्ट मीडियम ही रखना है। और ये जो मैदे का जो हमने डो तैयार किया है वो थोड़ा सा लचीला भी है इसलिए इसे हम थोड़ा थोड़ा सा आटा डालते हुए अच्छे से बेल लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने भटूरों को अच्छे से बेल लिए हैं और ऐसे ही हम सभी भटूरे बेल लेंगे। और भटूरा फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने पैन को पहले से मीडियम आंच पर रखा है और इसमें हमने तेल लिया है और जो ऑयल है वो अभी गर्म हो रहा है। और भटूरा फ्राई करने के लिए हमें काफ़ी अच्छा गर्म ऑयल चाहिए इसलिए हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और आप देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें भटूरा डालेंगे। और भटूरों को तेल में डालने के बाद हम इसे बीच में से थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे जैसे कि ऑयल है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए और जो हमारे भटूरे हैं वो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। भटूरों को हम करीब गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा भटूरा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और गोल्डन ब्राउन कलर का दिख रहा है
और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और फाइनली फ्रेंड्स, ये हमारे भटूरे तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और इसे हमने गर्मा गर्म सर्व किया है विथ दही, दही के साथ हमने इसे गर्मा गर्म सर्व किया है और ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और बहुत ही टेस्टी भी है। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि हमारे वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स, एंड लेट्स एंजॉय इट।